अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़ाह सईद एंड वेलकम टू द लीनियर अलजब्रा। स्टूडेंट, आज हम लोग रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे और एचिलॉन मेथड से, जबकि इससे हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट किया था डिटर्मिनेंट मेथड से। चलिए स्टूडेंट, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो एचिलॉन मेथड से किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली इसके लिए हमें जो थ्री स्टेप्स हैं वो माइंड में रखने होंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर वन पर स्टूडेंट हमने रो ऑपरेशंस को यूज़ करना है, रो ऑपरेशंस को यूज़ करना है। नंबर टू स्टूडेंट, हमने रिड्यूस्ड इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि हमने जो गिवन मैट्रिक्स है उसको अपर ट्रायंगुलर शेप में लेकर आना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नंबर थ्री स्टूडेंट, हमने क्या करना होगा, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज को स्टूडेंट काउंट करना होगा, वो हमारा क्या कहलवाएगा, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कहलवाएगा। नंबर वन रो ऑपरेशन, स्टूडेंट रो ऑपरेशन किस तरह से किए जाते हैं, आपने एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म ज़रूर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा था कि रो ऑपरेशंस के लिए बेसिकली हमें क्या करना होता है, हम किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी रो को किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये बेसिकली रो ऑपरेशंस है। इसमें फर्दर थ्री स्टेप्स आते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट रिड्यूस इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि ये देख सकते हैं स्टूडेंट, ये आपके पास ये डायगनल है, ये डायगनल एंट्रीज, इस डायगनल से ऊपर का सारा जो एरिया है स्टूडेंट वो अपर ट्रायंगुलर करवाएगा, इंक्लूड दिस डायगनल। तो हमारे इसके नीचे की जो एंट्रीज हैं लाइक -2, 0, 1, 0, 1 एंड 1, तो ये बेसिकली हमें क्या करना है, ज़ीरो करना है, बिकॉज अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, डायगनल और उससे अपर पार्ट जो है वो हमारा नॉन ज़ीरो होगा, और डायगनल से जो लोअर पार्ट है वो हमारा स्टूडेंट क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, तभी हम अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे उसको। और उसके बाद स्टूडेंट ये काम करने के बाद जब हम देखेंगे कि हमारे पास जो नॉन ज़ीरो रोज़ की जो तादाद होगी वो हमारा रैंक कहलवाएगा उस मैट्रिक्स का। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में अगेन आपने ये देखना है कि रो ऑपरेशन को यूज़ करते हुए आपने ये चेक करना है कि हमारे पास जो एंट्रीज़ हैं, जो लीडिंग एलिमेंट है रो का, वो वन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ हमारे पास ऑलरेडी वन मौजूद है। अगर ना होता तो मैं यहाँ स्टूडेंट क्या करता, इंटरचेंज करता या देखता, अगर फिर भी वन ना होता, लेट्स सपोज स्टूडेंट हमारे पास ये, लेट्स सपोज ये इस तरह से होता, तो मैं क्या करता, रिप्लेस कर देता R1 को R3 के साथ, ठीक है। और उसके बावजूद भी अगर कहीं पर भी वन ना होता स्टूडेंट, तो फिर मैं अपनी मर्जी से किसी एक रो को लेते हुए उसी लीडिंग एलिमेंट को वन बनाने के लिए डिवाइड कर देता। क्लियर हुआ? तो स्टेप नंबर वन स्टूडेंट, हमारा लीडिंग एलिमेंट तो वन आ चुका। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्या करना है, इस वन की मदद से नीचे जो इसका जो लोअर पार्ट है उसको हमें ज़ीरो बनाना है, तो रो ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे जी स्टूडेंट। ऑपरेट करना है R2 पर और R1 की मदद से करना है। अगर हम R1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें तो हमें स्टूडेंट आंसर मिलेगा R2 का। क्लियर हुआ? इसी तरह स्टूडेंट ऑपरेट करना है R3 पर और R1 की मदद से करना है। और अगर R1 को हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर हमें मिलेगा R3 का, और R4 तो ऑलरेडी स्टूडेंट क्या है इस केस में, ज़ीरो ही है। तो चलिए इस तमाम ऑपरेशन में जो एक चीज़ नहीं चेंज होगी वो R1 है, तो हम R1 को सेम एज इट इज़ उतार लेते हैं। क्लियर हुआ? -1। तो जो स्टूडेंट हमने यहाँ पर कहा, ये जो लिखा हमने, वो एक्चुअल में करके देखते हैं। R2 स्टूडेंट हमारे पास है -2, -1, -3, -1। R1 को स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2, 4, 6, -2, और स्टूडेंट हमें ऐड करना है, तो ये 0, 3, 3, -3।
तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ चुका आर टू का, आर टू यहाँ स्टूडेंट हमारे पास आया 0, 3, 3, -3। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, R3 -R1 करना है, इसको हम रेस कर देते हैं, R3 1, 0, 1, 1 और R1 स्टूडेंट हमारे पास है, R1 हमारे पास स्टूडेंट है 1, 2, 3, -1 और स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो साइन ऑपोजिट 0, -2, -2 and +2। तो R3 स्टूडेंट हमारे पास आया 0, -2, -2 and +2 और R4 स्टूडेंट सेम एज इट इज़ लिखेंगे बिकॉज R4 हमारा ऑलरेडी 0 था तो हमने इसको ऑपरेशंस में रो ऑपरेशन में यूज़ नहीं किया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्टूडेंट, अपर ट्रायंगुलर बनाने के लिए स्टूडेंट हमें यहाँ तक जो डायगनल है वो नॉन ज़ीरो चाहिए और उससे नीचे वाली हमें वैल्यूज़ को क्या करना है, 0 बनाना है। तो स्टूडेंट मैं अगर यहाँ गौर से देखिए, मैं स्टूडेंट इसको R2 को डिवाइड कर दूँ यानी कि मल्टीप्लाई कर सकता हूँ R1/3 को R2 के साथ, तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, ये तमाम की तमाम जो R2 है वो 1-1 होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर यहाँ जब 1 आएगा स्टूडेंट तो इसकी मदद से मैं इसके जो लोअर पार्ट है इसको 0 करूँगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो हमें मिलेगा, इसको स्टूडेंट हम रेज कर देते हैं, तो हमें मिलेगा स्टूडेंट 1/3 R2 1, 2, 3, -1, 0, 1, 1, -1 and 0, -2। स्टूडेंट बाकी जो रोज हैं वो सेम एज इट इज़ आएंगी बिकॉज हमने इसको 1 टाइम ऑपरेट किया 0, 1, 1 and -1। नेक्स्ट स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए, अब इस 1 की मदद से मुझे डाउन साइड है इसकी वो 0 बनानी है बिकॉज रो ऑपरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, ताकि अपर ट्रायंगुलर बनाई जा सके। जी स्टूडेंट, ऑपरेट करना है R3 पर और किसकी मदद से करना है स्टूडेंट, R2 की मदद से, और अगर R2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड अप कर दूँ बिकॉज ऑपोजिट साइंस रहेंगे तो आंसर रहेगा R3। सिमिलरली स्टूडेंट ऑपरेट करना है मुझे R4 पर और किसकी मदद से चाहिए, R2 की मदद से करना है, तो R2 को जस्ट मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हमें आंसर मिलेगा R4 का। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो इस केस में देखिए स्टूडेंट, R1 का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है और R2 भी सेम टू सेम रहेगी बिकॉज ऑपरेट जिस पर करना है मैं वो उनका जो आंसर है वो बाद में लिख रहा हूँ, चेंज होना है R3 और R4। तो R1 और R2 सेम एज इट इज़ आएंगी स्टूडेंट। चलिए हम इनको लिख देते हैं 1, 2, 3, -1, 0, 1, 1 and -1। जी स्टूडेंट, अब देखिए R3 स्टूडेंट हमारे पास है 0, -2, -2 and 2। R3 आ गया स्टूडेंट, R2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, 2, 2, -2 और ऐड करना है स्टूडेंट तो 0, 0 और ये 0। तो R3 स्टूडेंट हमारे पास कंप्लीट क्या आ चुकी है, 0, 0, 0, 0। नेक्स्ट स्टूडेंट ये ऑपरेट करेंगे हम R4 -R2, तो देखिए R4 स्टूडेंट हमारे पास है 0, 0, 1, 1, -1 और R2 स्टूडेंट हमारे पास है 0, 1, 1, -1 और स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन का साइन था तो
जीरो 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 एंड जीरो, तो आर फोर स्टूडेंट आ चुकी है जीरो 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 जीरो। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, अब नेक्स्ट यहाँ जो लीडिंग एलिमेंट है वो है ही नहीं, इट मीन्स मैं आगे रो ऑपरेशन करना बंद कर दूंगा, बिकॉज अगर यहाँ आगे मौजूद होता तो मैं उसको भी वन बनाकर और उसके नीचे वाली जो डाउन साइड है वो ज़ीरो बनाता। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास जो नॉन ज़ीरो रोज़ आ चुकी हैं वो दो आ चुकी हैं। क्यों आ चुकी हैं? बिकॉज आगे जाना बंद हो गया। हमारे पास जो अगला जो हमने रो ऑपरेट करना था वो आर थ्री के लिए करना था, तो आर थ्री तमाम पूरी की पूरी क्या हो चुकी है? ज़ीरो हो चुकी है। तो ये बेसिकली हमने अपर ट्राइंगुलर के केस बनाया, और उसके बाद नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो स्टूडेंट्स कितनी हैं? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज स्टूडेंट कितनी हैं? टू हैं। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज टू हैं, इट मीन्स रैंक कितना होगा? रैंक इज इक्वल टू टू होगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये था बेसिकली रिड्यूस एचिलॉन मेथड, बिकॉज हम एचिलॉन मेथड से ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हैं। इससे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट? इससे पहले हमने डिटर्मिनेंट मेथड से रैंक निकाला और 4x4 का, और आज हमने 4x4 का क्वेश्चन लिया और उसको हमने एचिलॉन मेथड से रैंक निकाला। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट जब हम अगली वीडियो में करेंगे, हमारे पास एक नॉर्मल मेथड भी मौजूद है, तो नॉर्मल मेथड से भी हम रैंक निकालने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़। आज के लिए जस्ट इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इट्स वेरी ईजी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट अगर ये 3x3 में होता तो भी आपने क्या करना था स्टूडेंट? वन बनाना था और उसकी जो डाउन साइड है वो ज़ीरो बनानी थी। मतलब तब भी लेट्स सपोज ये हमारे पास 3x3 में है, तो आपने अब ये डायगनल इसको और इसका अपर पार्ट सारा का सारा जो है वो बनाना था और जो डाउन साइड है उसको ज़ीरो करना था, बिकॉज अपर ट्राइंगुलर केस ये था हमारे पास। तो 3x3 में हो, 4x4 में हो, 5x5 में हो, आप इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।